नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आप बच्चों के दिमाग में घूम रहा है कि आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं, आरओ की वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं और कब से लगाना शुरू करें। तो ये प्रश्न बच्चों बहुत ही मल्टी डॉलर का क्वेश्चन है और लगातार बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सभी बच्चे लोग। तो देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि देखिए आरओ का बच्चों जो टाइम है, अब आपके पास कम से कम जो है 100 से 120 दिन का समय अभी भी आपके पास शेष है। तो पूरा टाइम केवल अब जो है अभी से टेस्ट सीरीज मत लगाना शुरू करिए, अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। लेकिन केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मॉडर्न इंडिया आपने उठाया, स्पेक्ट्रम भी पढ़िए। 7 दिन का मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया है कि स्पेक्ट्रम 7 दिन में कैसे कंप्लीट करें। उस स्पेक्ट्रम को उठाइए, 7 दिन में उसको कंप्लीट करिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा डालिए घटना चक्र पूर्वालोकन के। फिर ज्योग्राफी उठाइए और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लगा डालिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज आरओ के लिए कौन सी लगानी चाहिए और कब से लगानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, देखिए टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बेस्ट समय होता है एग्जाम के 40 से 45 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करिए। तो अभी भी आरओ के लिए बच्चों आपके पास 100 से 120 दिन का समय है, तो पूरा टाइम अभी से टेस्ट सीरीज पर डिवोट नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप लोग सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अपने दिन को 3 भाग में बांटिए। सुबह आप करंट अफेयर पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को लगाइए। इसके बाद दिन का टाइम आप क्या करिए, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को दीजिए। जैसे मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 11th क्लास की है, 2 एनसीईआरटीज है उसको कर लीजिए, और लक्ष्मीकांत है, और ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोग करिए। हिंदी पढ़ लीजिए। शाम का समय जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दीजिए बच्चों, समीक्षा अधिकारी के और पीसीएस के दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों के आपको लगाने हैं, और हिंदी के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने टारगेट को रखेंगे तो अभी आप 40 से 45 दिन ये करिए। पर जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है बच्चों, फॉर्म आप लोग भर लीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद से फिर मॉक टेस्ट पर जुट जाइए। और ये मान के चलिए कि 30 से 40 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और किसके लगाने हैं तो मैं आपको बोलूँगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाना है, वो फ़ायदा नहीं करेगा बच्चों। पूरे 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के, ये फुल लेंथ मॉक होने चाहिए। और आप क्या करिए, दृष्टि आईएएस, थे आईएएस, जीएस वर्ड या पीसीएस मंत्रा में से जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिले सबके 10-10 पेपर ले लीजिएगा फुल लेंथ वाले, और वही 40 पेपर लगा लीजिएगा और उसी का एनालिसिस कर लीजिएगा, उसी का जो क्वेश्चन फंस रहा है उसका नोट्स बना लीजिएगा, और वही आपकी तैयारी के लिए बच्चों आवश्यक है। और क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस इतना वास्ट होता है बच्चों कि एवरीथिंग अंडर द सन वो आपके सिलेबस के अंतर्गत आती है बच्चों। तो जितना भी आपको क्या करना है, लगाना है, पढ़ना है, अभी पढ़ लीजिए। अभी 50 दिन का समय जो है, 50-60 दिन का, सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, अभी भी पर्याप्त समय है, घबराना नहीं है बच्चों। और उसके बाद बच्चों आखिरी के 30 से 40 दिन जो स्लॉग डेज है उसमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। तो यही बोलूँगा आपसे, बेस्ट तरीका है। मॉक टेस्ट कब से लगाना मैंने आपको बताया, कहाँ से लगाना है ये भी मैंने आपको बताया, और सेक्शनल नहीं फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को मैं क्या कहूँगा, बंद करूँगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। बस चैनल को पसंद आ रहा है बेटा तो पीसीएसआरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे लोग, और वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों तक पहुँचाइए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो।